अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको मुंह और नाक के ज़रिए सांस लेने के जो असरात हैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड पे आपको नाक लेने के ज़रिए जो सांस लेते हैं उसका एक इतना ज़बरदस्त फ़ायदा बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ज़्यादातर अफराद लाशौरी तौर पर नाक के ज़रिए सांस लेते हैं, मगर कुछ लोग मुंह के ज़रिए सांस लेना और सांस छोड़ना पसंद करते हैं। अलबत्ता जब नज़ला, ज़ुकाम या एलर्जी के बायस नाक बंद हो तो फिर मुंह के ज़रिए सांस लेना पड़ती है। मगर क्या आपको मालूम है कि मुंह के ज़रिए सांस लेने से चेहरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं? यकीन करना मुश्किल होगा कि मुंह के ज़रिए सांस लेने से चेहरे की साख्त पर असरात मुरतब होते हैं। माहरीन के मुताबिक मुंह के ज़रिए सांस लेने से अजीब असरात का सामना होता है। उन्होंने बताया कि मुंह के ज़रिए ज़्यादा सांस लेने का मतलब है कि गालों के मसल्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और इससे जबड़ों पर दबाव बढ़ता है। इसके नतीजे में बतजरीद चेहरे और दांतों की साख्त पतली होने लगती है। पतला चेहरा का मतलब ये होता है कि ज़ुबान के लिए गुंजाइश कम हो जाती है और मुंह के दरमियान में रहने की बजाय निचले हिस्से में पहुंच जाती है। चेहरा लंबूतरा नज़र आने लगता है जबकि जबड़े कम नुमाया होते हैं। मुंह से सांस लेने के बायस सांस में बू, दांतों या मसूड़ों के अमराज और गले और कान के इन्फेक्शन का ख़तरा भी बढ़ता है। इस आदत के नतीजे में खून में ऑक्सीजन का इत्तमा भी कम होने लगता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ता है। तो जिस हद तक मुमकिन हो नाक से सांस लेने की कोशिश करें। तो दूसरे नंबर पे नाक से जो सांस लेते हैं उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब आप नाक के ज़रिए सांस लेते हैं, ख़ास तौर पर जब थोड़ा थोड़ा एक आवाज़ आती है नाक से निकाल के, जैसे ऐसे आवाज़, तो नाक के ज़रिए सांस लेने से आपके जो एक गैस पैदा होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये पैदा होती है जो आपके दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नाक के ज़रिए सांस लेंगे तो उससे एक तो ये कि आपके जो दांतों के और गले का इन्फेक्शन है, जो फेफड़ों के अमराज हैं, वो नहीं होंगे, और दूसरे नंबर पे आपके दिल की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है ये आपको हार्ट अटैक नहीं होने देती मरीज़ को। तो नाक के ज़रिए सांस लेने की आदत अपनाएं ताकि अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर तरीके से जी सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी हमारी खूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।